इस कार्यक्रम में जो मेन थीम रखी गई है कि इसमें कुछ लेक्चर सीरीज है तथा कुछ प्रैक्टिस है। इस कार्यक्रम के लिए सर्वप्रथम मैं विश्वविद्यालय परिवार तथा अपने राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन और वंदन करती हूँ। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या कुंदेन तुषार हार दबला, या शुभ्र वस्त्राविता, या वीड़ावर दंड मंडिकरा, या श्वेत पद्माशला, यह ब्रह्मांचु शंकर प्रभृति देवे सदा वंदिता, सा मां पातु सारस्वती भगवती नीचे जाद्यापा। विश्वविद्यालय और शिक्षक के संस्थान में आज सर्वप्रथम मैं अपने आए हुए अतिथियों का स्वागत कर अभिनंदन करती हूँ। स्वागत के इस क्रम में विश्वविद्यालय के संपोषक, संरक्षक, संस्थापक परम श्रद्धे पद्म विभूषण से उपाधि से सुसज्जित परम श्रद्धेय जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज, जो कि हमारे विश्वविद्यालय के आजीवन कुलाधिपति हैं, चांसलर हैं, मैं हृदय से आपका स्वागत, अभिनंदन और वंदन करती हूँ। गुरु जी के विषय में कुछ कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है, इसलिए हम अपने शब्दों को नहीं बल्कि अपनी भावनाओं के द्वारा आपकी चरण वंदना करते हैं। आपकी संकल्पना का मूर्त रूप हमारे सामने जो दिव्यांग विश्वविद्यालय आया है, वो खाली भारत के नहीं बल्कि विश्व के सामने एक अद्भुत संस्था के रूप में है, जहाँ पे कार्य करते हुए हमको गौरव प्राप्त होता है और आपकी प्रेरणा से सदैव हम कार्य करने के लिए तत्पर रहेंगे, ये हम विश्वास दिलाते हैं। हम आपका वंदन करते हैं और हमेशा आपकी कृपा पात्र बने रहने के लिए, आपके मार्गदर्शन को प्राप्त करने के लिए तत्पर रहेंगे। स्वागत के इस क्रम में मैं विश्वविद्यालय के कुलपति सर प्रोफेसर दुबे सर का स्वागत व अभिनंदन करती हूँ, जिनके विचार व मार्गदर्शन हमारी कार्यों को और सरल और सुलभ बना देते हैं। जब भी कोई परेशानी होती है हम सर के सामने ले जाते हैं, सर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। स्वागत के इस क्रम में मैं आज स्टेट एनएसएस ऑफिसर डॉक्टर अंशुमाली शर्मा सर का हृदय से अभिनंदन करती हूँ। सर का कार्य, सर का मार्गदर्शन, सर की सक्रियता और समय समय पे जितने भी सोशल इश्यूज के लिए आप हमें बताते रहते हैं, राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा हम जुड़ गए हैं। जी 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 जी, तो मैं यहीं पे पहले अपनी वाणी को विराम देते हुए सबसे पहले इस कार्यक्रम का शुभारंभ, जो उद्घाटन सत्र है, गुरु जी के आशीर्वचन से प्रारंभ करना चाहते हैं। प्रणाम, नमो राव भाई गुरु जी। नमो राव भाई, आप विराम करने देती नहीं है, क्या करें? जी गुरु जी, नमो राव भाई। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वीरस्य रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। श्री सीता नाथमारंभाम श्री रामानंदाय मध्यमाम अस्मदाचार्य परिणताम वंदे श्री गुरु परंपरा। योग कर्म सुकौशलम विश्व के दिव्यांगों के लिए एकमात्र विश्वविद्यालय जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय में योग सप्ताह का शुभारंभ करने जा रहे हैं। योग भारतीय दर्शन की वह सरणी है जिससे सभी बिखरे हुए व्यक्ति
और बिखरे हुए व्यक्तित्व, बिखरे हुए तत्व, बिखरी हुई ऊर्जाएं और बिखरे हुए प्राण इकट्ठे हो जाते हैं। एक बार एक और जहां जीव भाषा समाधि है, ठीक दूसरी ओर युद्धात्मक योग की जुड़ना, जैसे एक से एक को जोड़ते हैं दो दो हो जाता है, वस्तुओं को जोड़ने से संख्या बढ़ती है। दुख का प्रयोग अपने शरीर के लिए करते हैं, अपने मन के लिए करते हैं, अपनी इंद्रियों के लिए करते हैं, अपने अंतकरण के लिए करते हैं। मुझे यह कहने में गर्व का अनुभव होता है, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से योग को भी अंतरराष्ट्रीय गुरु मिला और इस यूं अंतरराष्ट्रीय योग के दिन जो शुरू में मनाया जाने लगा। हम योग करें योगा न करें, योग के मुख्य आठ अंग कहे गए हैं, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि। इन आठों अंगों के प्रयोग से व्यक्ति की चित्तियों की वृत्तियों का निरोध होता है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध है। और पतंजलि भगवान ने यहाँ तक कहा, सभी उपकरणों के होने पर भी यदि हमारे जीवन में ईश्वर का प्रणिधान नहीं रहा, योग नहीं कर सकते, तो उन्होंने कहा ईश्वर प्रणिधान अद्वा कि मैं सभी भारतीयों अंतरराष्ट्रीय योग साधकों से निवेदन करूंगा, ईश्वर के प्रति आस्तिक बने, भगवान राम के प्रति प्रेम होना चाहिए, भगवान राम को गीता जी में महायोगी कहा गया, वाल्मीकि रामायण में जगत में महायोगी परमात्मा सनातन। गोस्वामी जी ने भी भगवान राम को बालकांड में बड़ योगी कहा, आनंद रहित सकदृश भव दिन वाणी वक्ता बड़ योगी। और युद्धकांड के मंगला ग्रंथ योगी कालगम्य कहा, उन भगवान राम की नीलो श्यामल लोग हेलो, आगे का कार्यक्रम जी 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 धन्यवाद। अब तो
तो निश्चित रूप से हमारा कार्यक्रम सफल होगा। गुरु जी के आशीर्वचन हम लोगों को प्राप्त हो गए हैं और एक ऐसे तपस्वी संत के आशीर्वचन जो हमारे लिए ज्ञान का स्रोत होते हैं, प्राप्त होने से हम खाली गौरवान्वित ही नहीं होते हैं बल्कि हम और ऊर्जा से प्रेरित हो जाते हैं। हम अभिनंदन स्वागत वंदन करते हैं और उसी वंदन के क्रम में हम स्वागत करते हैं विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार सर, जो कि हमारे कार्यक्रम समन्वयक है, डॉक्टर उपाध्याय सर, जो कि आज के कार्यक्रम में इंट्रोडक्टिव स्पीच भी हम लोगों के सामने देंगे। कार्यक्रम की थीम क्या है, कार्यक्रम का शेड्यूल क्या है, कार्यक्रम कैसे संचालित किया जाएगा, इन सब चीजों को देंगे। साथ में हम अभिनंदन स्वागत वंदन करते हैं विभिन्न विभागों विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए वो सभी प्रबुद्ध जनों का, जो कि हमारे इस कार्यक्रम में अपना योगदान अपना सहयोग देते हैं, अपना समय देते हैं और साथ ही में कोई भी ऐसी प्रेरणाप्रद चीजें होती हैं या हमारे समाज के लिए उनका क्या कंट्रीब्यूशन होता है, इसके लिए हमको मार्गदर्शन देते हैं। स्वागत करते हैं हम उन स्वयं सेवक सेविकाओं का भी, जो कि हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना के मूल आधार हैं, जिनके माध्यम से जिसके मीडियम से हम राष्ट्रीय सेवा योजना का जो ऑब्जेक्ट है, जो गोल है, जो राष्ट्र के लिए हमारा सम्मान है, उसे प्राप्त करने के लिए उनके माध्यम से हम कार्य करते हैं। और हमारी राष्ट्रीय सेवा योजना का मुख्य रूप से तत्व भी यही है कि हम किस तरीके से एक सुयोग्य नागरिक का निर्माण कर सके, एक राष्ट्रीय चेतना वाले व्यक्तित्व का निर्माण कर सके, ऐसे हृदय का विकास कर सके जो कि अपने राष्ट्र प्रेम के लिए राष्ट्र की समस्याओं के लिए सदैव सक्रिय और तत्पर रहे। बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आज के इस थीम, आज के इस सप्त दिवसीय जो नेशनल प्रोग्राम चलाया जा रहा है, इसके लिए इसके इंट्रोडक्टिव स्पीच के लिए आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर उपाध्याय सर को, जो कि आए और आज के प्रोग्राम का शेड्यूल और परिचय सामान्य परिचय आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। प्लीज सर। धन्यवाद डॉक्टर नीतू तिवारी जी। जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय सेवा योजना और योग विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सुअवसर पर समायोजित सप्त दिवसीय राष्ट्रीय व्याख्यान माला और योगाभ्यास विषय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में सम्मान निर्वहन कर रहे पद्म विभूषण समलंकृत एवं जीवन पर्यंत माननीय कुलाधिपति स्वामी जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को नमन करते हैं, सादर नमन करते हैं। जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय के यशस्वी कर्मठ कुलपति एवं उद्घाटन सत्र के मुख्य वक्ता प्रोफेसर दुबे जी का, जिनके मार्गदर्शन से यह आयोजन संभव हो सका है, अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश लखनऊ के राष्ट्रीय सेवा योजना के अधिकारी एवं अतिथि वक्ता के रूप में हम लोगों के साथ सहभाग कर रहे डॉक्टर अंशमाली शर्मा जी का, जो इस प्रकार के कार्यक्रम में प्रतिभाग कर हम सबका उत्साह वर्धन करते हैं। अंततः धन्यवाद ज्ञापित करते हैं राष्ट्रीय सेवा योजना के चारों कार्यक्रम अधिकारियों एवं योग विभाग के प्राध्यापकों का, जिनके अहर्निश प्रयास से यह आयोजन सफल हो सका है और हम सबको आज प्रतिभाग करने का जो अवसर प्राप्त हुआ। महोदय, आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के परिप्रेक्ष्य में आयोजित सप्त दिवसीय राष्ट्रीय व्याख्यान माला में योग दिवस मनाए जाने के संदर्भ में कुछ तथ्य स्पष्ट करना चाहते हैं। जैसा कि हम सबको विदित है कि वैश्विक पटल पर प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 21 जून को योग दिवस मनाए जाने का
आधार यह है कि वर्ष में सर्वाधिक लंबा दिन 21 जून को ही होता है, अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो कह सकते हैं कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की रोशनी सर्वाधिक पड़ती है, जिससे सर्वाधिक लंबा दिन होता है। और योग के निरंतर अभ्यास से व्यक्ति को लंबी या दीर्घ जीवन की प्राप्ति होती है। इस प्रकार वर्ष का सर्वाधिक लंबा दिन होने और योगाभ्यास से दीर्घ जीवन की प्राप्ति होने के कारण 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग दिवस मनाए जाने की पहल 27 सितंबर 2014 ईस्वी को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में की थी। उन्होंने कहा था कि योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। यह दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है। मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य है। विचार एवं संयम प्रदान करने वाला है तथा स्वास्थ्य एवं भलाई के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को प्रदान करने वाला है। यह व्यायाम के बारे में नहीं है, लेकिन अपने भीतर एकता की भावना दुनिया और प्रकृति की खोज के विषय में है। हमारी बदलती जीवन शैली में यह चेतना बनकर हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद कर सकता है। तो आए एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को बोध लेने की दिशा में काम करते हैं। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 177 सदस्य देशों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। प्रधानमंत्री मोदी के इस प्रस्ताव को 90 दिन के अंदर पूर्ण बहुमत से पारित किया गया, जो संयुक्त राष्ट्र सभा में किसी दिवस प्रस्ताव के लिए सबसे कम समय है। इस प्रकार 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की थी और अगले वर्ष 21 जून 2015 को वैश्विक पटल पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा। इस प्रकार हम यह देखते हैं कि वैश्विक स्तर पर भारत की यह एक महती उपलब्धि थी। इस वर्ष योग दिवस की थीम है योग के साथ रहें, घर पर रहें। वर्ष 2020 में योग दिवस की थीम थी घर में रहकर योग करें। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि योग आयु की वृद्धि करता है। कोरोना काल में योग की उपयोगिता पहले से काफी बढ़ गई है। कोविड रिकवरी के बाद भी योग से लोगों को काफी फायदा मिल रहा है। भारतीय संस्कृति परंपरा में योग की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। भारतीय षट दर्शनों में योग दर्शन एवं हड़प्पा सरस्वती सभ्यता में पशुपत की योग मुद्रा में प्राप्त प्रतिमा इसका प्रमाण है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने प्रारंभिक उद्घोष को भाषण को यहीं पर विश्राम देते हैं और अपने कार्यक्रम अधिकारियों को और योग विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने बहुत सरल शब्दों में बहुत सारी चीजों का हमारे सामने रखा। भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति और भारतीय चिकित्सा में योग का अपना महत्व है। बहुत सी चीजें सामने हमारे आ गई। अब मैं अपने विश्वविद्यालय के कुलपति सर, जो कि आज के वक्ता हैं हमारे कार्यक्रम के, उनको आमंत्रित करती हूँ। प्रोफेसर दुबे सर, माननीय कुलपति सर, जो कि आज की थीम, आज की प्रासंगिकता, आज के कार्यक्रम में अपने उद्बोधन से, अपने विचारों से हमको परिचित कराएंगे, हमारा मार्गदर्शन करेंगे। सर
सर साउंड नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रही। जी जी आ गई सर जी। हाँ आवाज जा रही है, आवाज जा रही है। जी सर जी सर आवाज आ रही है। जी सर आ रही है सर। हेलो सर, सर आवाज नहीं आ रही है। जी नेटवर्क इशू के कारण। जी आवाज जी आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है। आवाज नहीं आ रही। जी सर आई। सर अनम्यूट करिए एक बार। सर जी नेटवर्क इशू है कुछ। जी आवाज आ रही है। जी सर आ रही। जी सर आ रही। अच्छा अच्छा चलो भाई, बड़ी प्रॉब्लम है नेटवर्क की। जी 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 सर जी बिल्कुल। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय विद्धसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। भगवान श्री सीताराम जी के श्री चरणों में कोटिशः नमन। जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय के जीवन पर्यंत कुलाधिपति, इस विश्वविद्यालय के संस्थापक संपोषक संरक्षक पूज्यपाद जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी के श्री चरणों में नमन। विश्वविद्यालय के हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना और योग विभाग के समस्त कार्यक्रम अधिकारी शिक्षक, जिनकी सतत हेलो हेलो जी जी सर आपकी आवाज आ रही है। आप जी, जी, जारी रखें सर। जिनकी सतत प्रयासों से ये कार्यक्रम, चाहे वो राष्ट्रीय सेवा योजना का हो चाहे योग का हो, ये दोनों विभाग और दोनों के शिक्षक, दोनों के कार्यक्रम अधिकारी और जो हमारे ट्रेनर हैं, ये सभी इतनी संलग्नता से काम कर रहे हैं कि जिनके लिए मैं जितने प्रशंसा के शब्द कहूँ वो कम पड़ते हैं। और आज उन्हीं के प्रयास से यह सप्त दिवसीय कार्यक्रम राष्ट्रीय सेवा योजना और योग के योग विभाग के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। मैं इसके लिए बहुत हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं अपने शिक्षकों का, और विशेषतः अपने छात्रों का जो जुड़ करके ये सारा प्रयास कर रहे हैं। सर आपका माइक और इसमें
हेलो जी सर, अब आ रही है आवाज सर जी। डॉक्टर अंशुमल अंशुमाल शर्मा जी, यह एक ऐसा नाम है प्रदेश स्तर पर राष्ट्रीय सेवा योजना के विशेष संदर्भ में, जिससे समस्त विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों और विद्यालयों के सारे लोग, विशेषतः राष्ट्रीय सेवा योजना के लोग ऐसे सुपरिचित हैं जैसे कोई बहुत बड़ा संत और समाज सेवी किसी कार्य में निरंतर कई वर्षों से अपनी श्रम साधना कर रहा है और निरंतर पूरे प्रदेश के शिक्षा जगत में राष्ट्रीय सेवा योजना को लेकर के दिन रात श्रम कर रहा है। ऐसे व्यक्तित्व जो हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, मैं उनके प्रति भी हार्दिक आभार और कृतज्ञता व्यक्त कर रहा हूं। मैं बहुत सारी बातें नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम ऐसी है जो कि मुझे स्वयं प्रभावित कर रही है बार बार। मैं एक बात, इस बात को डॉक्टर अंशुमाली जी के सामने इस बात को कहना चाहता हूं कि अभी हमारी पूर्व में ही बात हुई कि हमारे दिव्यांग विद्यार्थियों के द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना, चाहे योग से संबंधित कोई कार्यक्रम हो, उसमें जो कुछ भी उनकी प्रस्तुति होती है, जो कुछ भी उनका उनका प्रदर्शन होता है, निस्संदेह बड़े गर्व के साथ मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में, प्रदेश के किसी भी महाविद्यालय में इस तरीके की प्रस्तुति सकलांगों की नहीं है जैसे जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय के योग के छात्रों की है और राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े छात्रों की है। और इस दिशा में हमारे विश्वविद्यालय के शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों का तो बहुत बड़ा योगदान है ही है, लेकिन मैं उसके लिए डॉक्टर अंशुमाली शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और उनको इस माटी से बहुत बहुत आशीर्वचन भी देता हूँ कि आपने पूरे प्रदेश देखते हुए भी हमारे विश्वविद्यालय के लिए, जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय के लिए जो विशेष एक सहयोग और विशेष मार्गदर्शन की इच्छा बनाए रखते हैं, वह प्रेरणास्पद है। मैं निरंतर ये चाहूँगा कि डॉक्टर अंशुमाली शर्मा जी हमारे विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए, हमारे विश्वविद्यालय के कार्यक्रम अधिकारियों के लिए तथा हमारे विश्वविद्यालय के किसी भी ऐसे राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े कार्यक्रम को निरंतर आशीर्वाद देते रहें, प्रेरणा देते रहें, मार्गदर्शन देते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। धन्यवाद सर, सतत आपको नमन और धन्यवाद। और आपने अपने शब्दों से उनका परिचय करा ही दिया, जिसको सुनने के लिए हम सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, जिसको सुनने के लिए, जिनके आशीर्वचन के लिए, मार्गदर्शन के लिए आपने उनके व्यक्तित्व का परिचय करा दिया। और हमारे स्वयं सेवक सेविका क्या, हम लोग जो कार्यक्रम अधिकारी हैं, सदैव सर का मार्गदर्शन समय समय पर प्राप्त करते रहते हैं। डॉक्टर अंशुमाली सर को, जो कि अपने विचार और राष्ट्रीय सेवा योजना के बहुत सी चीजों को हमारे सामने रखेंगे। डॉक्टर शर्मा सर, प्लीज सर। धन्यवाद नीतू जी सर। इस आज 7 दिवसीय योग शिविर जो आज जगतगुरु रामभद्राचार्य जी विश्वविद्यालय में आज से प्रारंभ हो रहा है, प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जगतगुरु श्री रामभद्राचार्य जी प्राणी जो है, उन्होंने उनका प्रातः मुझे दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसलिए मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ। यशस्वी कुलपति प्रोफेसर योगेश चंद्र दुबे जी, कुल सचिव उपाध्याय जी, कार्यक्रम अधिकारी गण, राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी, शिक्षक और साथ ही और जो शिक्षक और स्वयं सेवक स्वयं सेविकाएं जुड़े हैं, उन सभी को इस कार्यक्रम के शुभारंभ पर मैं बधाई प्रेषित करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं कि
दो वर्ष पहले 29 अगस्त 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक संकल्पना की थी फिट इंडिया की, फिट इंडिया मूवमेंट की बात की थी, फिट इंडिया कैंपेन की बात की थी, और उसमें एक ये भी अपेक्षा की थी सभी शिक्षण संस्थाओं से कि जब वहाँ पर छात्र पहुँचें तो एक इस तरह का इंस्टीट्यूशनल संस्थागत फिटनेस प्लान बनाए जिसमें कि जब भी छात्र महाविद्यालय यूनिवर्सिटी पहुँचे तो छात्र कर्मचारी और शिक्षक तीनों मिलकर कम से कम आधे से पौन घंटे ऐसे कार्यक्रम करें जिनसे उनके स्वास्थ्य में अभिवृद्धि हो सके। ये योग हो सकता है, ये प्राणायाम हो सकता है, ये दौड़ना हो सकता है, ये साइकिलिंग हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है ऐसा जो कि स्थिति के हिसाब से अनुकूल हो और जो हमारे संसाधन है उनके हिसाब से अनुकूल हो। तो इसलिए ये एक बहुत ही व्यापक कार्यक्रम था और एक दूरदर्शी प्रधानमंत्री की बात आप सोचें, अगस्त 2019 में वो ये संकल्पना करता है कि हम सबको युवा देश बनाने की आवश्यकता है क्योंकि हमारे युवा हैं 60% से ज्यादा, और उसके 8 महीने बाद 6 महीने बाद 7 महीने बाद कोरोना का आक्रमण होता है और फिर हम सबको समस्त देशवासियों को इस स्वास्थ्य की इस इनहेरेंट हेरिडिटी की इनहेरेंट इम्यूनिटी की बात समझ में आती है कि कैसे जो इम्यूनिटी है वो प्रत्येक व्यक्ति को शारीरिक इम्यूनिटी कितनी महत्वपूर्ण है। और जब ये बात आती है तो फिर हमारी जो प्राचीन सांस्कृतिक परंपराएं हैं, आयुष के जो नुस्खे हैं, वो सारे जन जन तक लोकप्रिय होने लगे। हमारे लोग दूध में हल्दी डालकर पीने लगे, अदरक का प्रयोग ज्यादा करने लगे, जब जहाँ पे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद जैसी कहावतें थी कि अदरक से लोग दूर भागते थे तो हमारे वरिष्ठ जनों को कहना पड़ता था कि भाई बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, अदरक जब खाओगे तभी समझ में आएगा। तो अभी तो सारे बंदरों ने अदरक खाना शुरू कर दिया है, इसलिए कि हमें अपने स्वास्थ्य को बनाकर रखना है, अपनी इम्यूनिटी को, प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत रखना है और इस तरह से हमें आगे चलना है कि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। आप कहेंगे कि शारीरिक का मानसिक से क्या संबंध, तो मित्रों आपने देखा होगा जब कोरोना में लॉकडाउन हुआ, लोगों से मिले नहीं, घर के बाहर नहीं जा पाए, कॉलेजेस बंद हो गए, स्कूल बंद हो गए, तो मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ा। भय आतंक मन में व्याप्त हो गया, अवसाद की स्थिति पैदा होने लगी, हेलो हेलो सर, हाँ सर साउंड नहीं आ रहा जी। जी हाँ, मेरी आवाज आ रही है, नहीं तो चली गई थी जी जी। हाँ, जी आने लगी जी, प्लीज सर। तो उसमें जो मैं मुस्कुराएगा इंडिया की बात कर रहा था, मानसिक स्वास्थ्य की समस्या बढ़ी तो उत्तर प्रदेश एनएसएस ने यूनिसेफ के साथ मिलकर मुस्कुराएगा इंडिया कार्यक्रम शुरू किया जिसमें कि ऑनलाइन काउंसलिंग, टेलीफोनिक काउंसलिंग हम बच्चों की करते, उनके माता पिता भी कई बार हमें फोन करते थे, और अभी हमने हाल में उसमें एक IVRS सिस्टम लॉन्च कर दिया गया है, इंटीग्रेटेड वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम, जिसमें पूरे प्रदेश का एक नंबर हो गया है 6390905002। इसमें हम लगातार अपने कार्यक्रम अधिकारियों को प्रशिक्षित करते हैं मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर, और वो अपने युवा साथी, जो हमारे युवा साथी हैं, उन इवन उनके माता पिता को भी जहाँ पर जरूरत होती है उचित मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तो मेरा आग्रह माननीय कुलपति जी से ये है कि जैसी कि भारत सरकार की माननीय प्रधानमंत्री जी की अवधारणा थी, उनकी इच्छा थी, और वो इच्छा व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं थी, वो हमारे सामाजिक स्वार्थ था, हमारे सामाजिक स्वास्थ्य की बात की गई थी,
तो एक चित्रकूट विश्वविद्यालय, मेरा आग्रह है कि ऐसा पहला विश्वविद्यालय बने जो कि अपने विश्वविद्यालय का फिटनेस प्लान बनाए और उस फिटनेस प्लान को शासन को भी भेजे। सिर्फ आधे घंटे से पौन घंटे की बात की गई है, 45 मिनट का आप कार्यक्रम बना लीजिए कि सुबह आकर 45 मिनट में क्या करना है, और पूरी सुविधा नहीं हो, योग प्राणायाम भी कर सकते हैं, इवन जो आपका अगर मैदान है तो वहां पर दौड़ सकते हैं जो लोग चाहें, एक एक्टिविटी उसमें आप प्लान कर दीजिए, साइकिल चलाएं जिनको कुछ और नहीं संभव है, कुछ भी ऐसी शारीरिक एक्टिविटी करें जिससे उनका फिजिकल मूवमेंट होता रहे। तो ये अगर चित्रकूट विश्वविद्यालय संस्थागत फिटनेस प्लान, चित्रकूट विश्वविद्यालय का फिटनेस प्लान बनाकर हमें भेजेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी, उसको भारत सरकार को भी प्रेषित करने की कि फिट इंडिया मूवमेंट, माननीय प्रधानमंत्री जी के फिट इंडिया मूवमेंट से प्रेरणा लेकर उनके आह्वान पर चित्रकूट विश्वविद्यालय अपना फिटनेस प्लान बना रहा है, जिसके अंतर्गत जब कॉलेज, जब विश्वविद्यालय खुलेगा सुबह 9 बजे या 8 बजे या जो भी समय है, उसमें पहला पीरियड जो होगा 45 मिनट का वो फिटनेस का पीरियड होगा, और सब लोग अपनी अपनी सुविधा अनुसार, अपनी अपनी इच्छा अनुसार, अपने अपने सामर्थ्य अनुसार, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि सारे लोग योग ना कर सकें, कोई दिव्यांग है तो वो प्राणायाम कर सकता है, प्राणायाम करे सांसों के साथ तो वो अपनी गतिविधि कर ही सकता है। तो ये एक बहुत ही श्रेष्ठ चीज होगी, इसको मैं देख रहा हूँ, और उसमें नेतृत्व तो प्रदान करेगा चित्रकूट विश्वविद्यालय पूरे प्रदेश को, मुझे प्रदेश की तो मैं बात कर सकता हूँ, जहां तक मेरी जानकारी है अभी तक किसी भी विश्वविद्यालय ने अपना फिटनेस प्लान 2019 के बाद से, शासन ने मांगा भी था, प्रमुख सचिव तत्कालीन आर के तिवारी जी ने चिट्ठी भी भेजी थी सबको, लेकिन किसी भी विश्वविद्यालय ने अपना फिटनेस प्लान नहीं भेजा। पर अगर आप इस चीज को कर सकें तो वो एक बहुत ही आपके सब खाली कर्मचारी, शिक्षक और छात्र सबके लिए बहुत ही बढ़िया चीज होगी, बहुत ही दीर्घकालीन प्रभाव वाली चीज होगी, और हम लोग इस तरह से संकल्पना कर सकेंगे एक स्वस्थ भारत की। स्वस्थ भारत जब होगा तो एक बहुत ही खुशहाल भारत भी होगा। इसी शुभकामना के साथ, इसी आग्रह के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर, नमस्कार, धन्यवाद। आपने हमारा तो मार्गदर्शन किया है, और आपने जो दिशा निर्देशित किया है हमें फिटनेस प्लान का, सर हम विश्वास दिलाते इसके लिए हम लोग तत्परता के साथ तुरंत लगते हैं, जितना जल्दी होता, कहीं पे कोई भी व्यवधान होने पे हम लोग आपसे संपर्क करके मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। आपका उद्बोधन और आपके विचार हम लोगों को राष्ट्रीय एकता, और जो हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी का की संकल्पना है और भारतीय संस्कृति है, उसका समुच्चय जो आपने प्रस्तुत किया सर, धन्यवाद आपको हृदय से। अब कार्यक्रम को, इस कार्यक्रम को 2 सत्र में लिया जा रहा है। पहला जो हमारा सत्र होता है उसमें इससे संबंधित हम जो भी ज्यादा रिलेवेंट होते हैं उसके लेक्चर प्रस्तुत किए जाएंगे, और हमारा जो सेकंड सत्र होगा उसमें व्यावहारिक परिप्रेक्ष्य को उठाते हुए हम योग की प्रैक्टिस कराएंगे, यानी एक थोड़ा हमारे विचारों को रखा जाएगा, दूसरे हमारे व्यवहार, इन दोनों के समुच्चय को करते हुए हम ये सप्त दिवसीय पूरी व्याख्यान माला तथा प्रैक्टिसेस को चलाएंगे। कार्यक्रम को विराम की तरफ ले जाते हुए अब मैं समस्त जुड़े हुए अतिथियों, प्रविधियों, प्रबुद्ध जनों सबको आभार ज्ञापन के लिए आमंत्रित करती हूँ अपने मुख्य कार्यक्रम अधिकारी मिस्टर दिलीप सर को, आज के जितने प्रबुद्ध जन हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं उनका सहृदय आभार ज्ञापन करें। मिस्टर दिलीप सर। हेलो जी सर, सभी को नमोराग्वाय। मुझे इस विशेष कार्यक्रम के शुभारंभ दिन पर धन्यवाद भाषण देने का अवसर प्राप्त हुआ, यह हमारे लिए बड़ा ही शुभ दिन है कि आज हमने इस सप्त दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 7 दिवसीय व्याख्यान माला एवं योग प्रैक्टिसेस दिनांक 15 जून से 21 जून तक राष्ट्रीय सेवा योजना एवं योग विभाग
जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया है। उसके शुभारंभ दिन पर जिसमें हमारे विश्वविद्यालय के जीवन पर्यंत कुलाधिपति जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज जी का अध्यक्षीय उद्बोधन हम सभी को सुनने को प्राप्त हुआ, उनका आशीर्वचन प्राप्त हुआ। मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से हमारे जीवन पर्यंत कुलाधिपति जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर हमारे अभिवादन को स्वीकार कर अपनी उत्कृष्ट उद्बोधन से हम सभी को सम्मानित किया, लाभान्वित किया। आपने योग को जीवन में अपनाने और स्वस्थ जीवन को योग के योगदान व महत्व को बताया। इस ऑनलाइन पटल पर जुड़े सभी लाभार्थी आपके ज्ञान रूपी उद्बोधन को पाकर गदगद हो गए, इसलिए हम सभी आपका पुनः सहृदय धन्यवाद करते हैं और आपसे ये विनम्र अनुरोध करते हैं कि आपका आशीर्वाद हम सभी को समय समय पर प्राप्त होता रहे। इसी क्रम में मैं सहृदय धन्यवाद ज्ञापित करता हूं अपने विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति महोदय प्रोफेसर योगेश चंद दुबे जी का कि उन्होंने हम लोग को आशीर्वचन के रूप में अपना आशीर्वाद दिया और योग विषय को जीवन में अपनाने से स्वस्थ शरीर स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है इस विषय पर बोला और बहुमूल्य समय देकर हम सभी को लाभान्वित किया। इसके लिए मैं सहृदय धन्यवाद करता हूं सर को। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं हमारे आज इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता मुख्य स्पीकर के रूप में हमारे बीच इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय सेवा योजना के स्टेट कार्यक्रम अधिकारी स्टेट ऑफिसर श्री डॉक्टर अंशुमन माली शर्मा जी का कि उन्होंने योग और राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा किए जा रहे कार्य और योग के विषय पर अपना बहुमूल्य विचार हम सभी को दिया, हम सभी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी कि राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा किस किस तरह के कार्यक्रम चलाए जाएं जिससे सभी को लाभ मिले। उन्होंने जो एक अपील की है कि चित्रकूट विश्वविद्यालय अपना फिटनेस प्लान बनाए और यह प्लान प्रशासन को भेजे ताकि एक मॉडल के रूप में चित्रकूट विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया जा सके कि दिव्यांग छात्र होते हुए भी दिव्यांगता क्षेत्र में कार्य करते हुए भी एक फिटनेस प्लान को लेके फिट इंडिया कार्यक्रम को लेके जो प्रधानमंत्री जी का मिशन है उस पर यह विश्वविद्यालय कार्य कर रहा है। इसके लिए मैं सर आश्वासन देता हूँ कि हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द हम इस पर कार्य करें और आपको फिटनेस प्लान बनाकर भेजें सर। इसके लिए आपके बहुमूल्य वक्तव्य के लिए मैं आपका सहृदय धन्यवाद करता हूं अपनी टीम की तरफ से। मैं धन्यवाद करता हूं इस कार्यक्रम में ऑनलाइन पटल के माध्यम से जुड़े हुए सभी शिक्षकों का, अन्य लोगों का, स्वयंसेवक स्वयंसेविकाओं का और भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी लोग जुड़े हैं इस कार्यक्रम को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमारे इस कार्यक्रम में दिया। मैं धन्यवाद करता हूं इस कार्यक्रम को कुशल संचालित करने के लिए इस कार्यक्रम की संचालिका महोदया डॉक्टर नीतू तिवारी जी का, टेक्निकल कार्य देख रहे हैं हमारे डॉक्टर आनंद सर कार्यक्रम अधिकारी जी का, इन सभी का धन्यवाद करता हूं कि अपना कुशल योगदान इस कार्यक्रम को सफल बनाने में दिया। साथ ही मैं अंतोगत्वा मैं धन्यवाद करता हूं अपने विश्वविद्यालय के कुलसचिव महोदय का और कार्यक्रम समन्वयक महोदय का डॉक्टर महेंद्र कुमार उपाध्याय जी का कि उन्होंने इंट्रोडक्टरी स्पीच के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की और अपना आशीर्वचन हमें दिया। इन सभी को सहृदय धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। अन्य कुछ लोग मान लीजिए सर समय के अभाव के कारण उनका नाम नहीं ले पाए, हमारी पूरी एनएसएस की टीम और हमारे सभी कार्यक्रम अधिकारी मिस्टर दिलीप सर, डॉक्टर आनंद सर, मिस्टर प्रदोष सर, मैं स्वयं नीतू तिवारी, आप सभी का हृदय से धन्यवाद आभार ज्ञापन करती हूँ। आपने अपना समय, अपने विचार और अपने जो भी कार्य कैसे हम और अच्छे तरीके से कर सकें
उसकी प्रेरणा जो हमें प्रदान की, हम आशा करते हैं इसी तरीके का प्रोत्साहन, इसी तरीके का आपका विश्वास हम पे बना रहे। अंत में कार्यक्रम को बिल्कुल समाप्त करने की स्थिति में आ गए हैं और इस समापन में हम राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रेरक गीत की दो लाइनों से इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। हमारा कार्यक्रम या राष्ट्रीय सेवा योजना और भारत थीम माननीय प्रधानमंत्री जी की स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत इसकी संकल्पना को हम जरूर साकार करेंगे और प्रेरक वाक्य के साथ इसकी समाप्ति करेंगे। तो अभी हम लोग दो लाइन के इस प्रेरक वाक्य को सभी लोग गुनगुनाते हैं। हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब। सभी लोग गाइए, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। सा धन्यवाद सभी को, धन्यवाद। नमो रागवाय।